नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत सुबह की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का टीकमगढ़ दौरा आज। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का करेंगे शुभारंभ। बेघर लोगों को घर बनाने के लिए भूखंड का पट्टा निःशुल्क दिया जाएगा। नए साल में गरीब लोगों के लिए नई सौगात और जिले के 10,500 लोगों को बड़ी सौगात दी जाएगी। आपको बता दें कि 120 करोड़ की लागत के भूखंड वितरित करेंगे। पति पत्नी के नाम पर पट्टा होगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां नए साल में गरीबों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। इसके तहत आज सीएम शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ दौरे पर रहेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ करेंगे। बेघर लोगों को घर बनाने के लिए भूखंड का पट्टा निःशुल्क दिया जाएगा। नए साल में गरीब लोगों के लिए ये नई सौगात है। जिले के 10,500 लोगों को ये बड़ी सौगात मिलेगी और साथ ही साथ 120 करोड़ की लागत के भूखंड वितरित किए जाएंगे। पति पत्नी के नाम पर पट्टा होगा। बड़ी और अहम जानकारी से आपको इस वक्त की रूबरू करा रहे हैं, जहां बताते चलें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बड़ी सौगात देने वाले हैं गरीब वर्ग के लोगों को। आपको बता दें कि इसी के तहत आज सीएम शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ करेंगे। बेघर लोगों को घर बनाने के लिए भूखंड का पट्टा निःशुल्क दिया जाएगा। नए साल का ये तोहफा और ये नए साल में बड़ी सौगात गरीबों के लिए। बताते चले कि इसके तहत जिले के 10,500 लोगों को ये बड़ी सौगात मिलेगी। 120 करोड़ की लागत के भूखंड वितरित किए जाएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको इस वक्त की रूबरू करा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, सीएम शिवराज का आज टीकम दौरा कितना खास और साथ ही साथ गरीबों के लिए ये जो बड़ी सौगात है, कितनी अहम सौगात? बता दूं कि आज काफी साल पहले जब मुख्यमंत्री जी टीकम बनाए थे तो लोगों ने उनसे मांग की थी चुनावी सभा के दौरान कि हम उसमें रहते हैं, यहाँ मजदूरी करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है जिससे हम अपना माने मकान का जमीन खरीद सके और मकान बना सके। तो मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जब भी हम आगे आएंगे तो आपको निःशुल्क जमीन दी जाएगी, जिसका आपको पट्टा दिया जाएगा। जिसमें जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब सीएम के दौरे के साथ ही लोगों में उम्मीदें भी बन गई है। क्या कुछ तैयारी है कार्यक्रम को लेकर सुधीर? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं सीएम शिवराज के इस दौरे से लोगों में उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सीएम के इस दौरे के साथ ही साथ लोगों को बड़ी सौगातें मिलने वाली है।